डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 असा डिस्कस कर रहा हुआ से 6 चैप्टर जो पोर्शन पिरो असा कंप्लीट हो से क्रोमोसोम्स वारो हाने देखो असा जो सेक्शन शुरू थे तो वो डीएनए हाने ना डीएनए वाले सेक्शन में डीएनए जी स्ट्रक्चर डीएनए की स्ट्रक्चर से जो वेल एक्सेप्टेड मॉडल आ वाटसन ए क्रिक वो उनका अलावा रेप्लिकेशन उनका अलावा जीन्स उनका पो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जेनेटिक कोड का म्यूटेशन आ शामिल इन पोएं पोर्शन एक गाल कला तो जो डीएनए उन स्ट्रक्चर आरो मॉडल आयो तभी स्टूडेंट्स लाइ समझ इंतहाई अहम आ छो तो अस अगत हली जो जेनेटिक्स का चैप्टर शुरू कदे उन में भी इन शे जो जो बेस आ सो हाँ अस स्टार्ट बटन का ब्रीफ रेफरेंस टू डीएनए स्ट्रक्चर बी शे बुधानी है लेक्चर में तांके फर्स्ट ईयर जो टेक्स्टबुक भी पान सा गड खी वेहो पव छो तो जडे अस नाइट्रोजीनियस बेसिस जी स्ट्रक्चर्स ते इंदासे तो असू फर्स्ट ईयर वाले टेक्स्टबुक में फर्स्ट ईयर जे टेक्स्टबुक जो पेज नंबर 33 तां खोले वेहंदव साहब इंटर वारो जेको असां चैप्टर शुरू कयो आ उन जो पेज नंबर 149 150 पेज हाणे डीएनए बेसिकली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या इए चऊं त पॉलीमर पर पॉलीमर बि पॉलीन्यूक्लियोटाइड आ पॉलीमर बि पॉलीन्यूक्लियोटाइड आयो ठहल आ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जो जेके मोनोमर हाँ एकड़ी शे वाजियो कयूं त पॉलीमर ए मोनोमर के अस समझूं जी मिसाल तौर असाजे सामूं एक वड़ी भित या दीवार उहा पॉलीमर ए उन में जेके सिरूं ब्रिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेसिकली ठहल जिन मोनोमर यूनिट्स जो न्यूक्लियोटाइड हाँ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जी स्ट्रक्चर जी तरफ अचों तो उनमें टे कंपोनेंट्स शामिल या टे पार्ट्स शामिल नंबर पहरियों पेंटोस शुगर जेके असां 5 कार्बन शुगर चवंदा आहियूं उहा राइबोस भी थी सके थी डीऑक्सीराइबोस राइबोस थी सके थी इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोस थी सके थी इन केस ऑफ नंबर बियो पार्ट बियो कंपोनेंट नाइट्रोजीनियस बेस जेके एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नंबर ट्रियो कंपोनेंट फॉस्फेट रेडिकल जेके असां फॉस्फोरिक एसिड भी चऊं हाणे असां मूव था कयूं कंपोनेंट नंबर पहिरें जी तरफ पेंटोस शुगर पढ़ियोसीं त या पेंटोस शुगर डीएनए वारी सिचुएशन में डीऑक्सीराइबोस आ आरएनए वारी सिचुएशन में राइबोस आ हाणे जेकॾहिं असां राइबोस शुगर जी तरफ अचूं त असां वटि फार्मूलो आहे C5H10 ऐं O5 स्ट्रक्चर तव्हांजे साम्हूं आहे काउंट कयूं कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 C5 पूरा हाइड्रोजन जी तरफ़ अचूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 H10 पूरी O5 जी तरफ़ अचूं 1, 2, 3, 4, 5 ये असांजी राइबोस शुगर आ जेका मौजूद आ
हाँ ये चूँ डीऑक्सीराइबोस शुगर की तरफ डी लफ्ज जो मतलब आ एब्सेंट ऑक्सी माना ऑक्सीजन यानी एक ऑक्सीजन घट हो जाओ एब्सेंट हो जाओ फार्मूलो C5H10O5 हियर स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोस शुगर दिया कार्बन हुई 1 2 3 4 5 C5 हाइड्रोजन हुई 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑक्सीजन घटा कार्बन नंबर दिए थे दिसो ऑक्सीजन एक ब ट्रे हने हे पहरियो कंपोनेंट डिस्कस कयो से जे के असा कंसीडर कयो से पेंटो सुगर या 5 कार्बन सुगर हने असा कंपोनेंट नंबर दे जी तरफ ता आचो नाइट्रोजिनियस बेसिस पोइते भी असा पढ़यो से द नाइट्रोजिनियस बेसिस एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड छो द कार्बन रिंग में ब्या एटम्स भी शामिलन कार्बन का सवा उन करे हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन मौजूदा उन करे नाइट्रोजिनियस बेसिस बेनन के साथ नाइट्रोजिनियस बेसिस जा बुनियादी तौर बकिस्म एको प्यूरिन्स आए बियो पायरिमिडिन्स प्यूरिन्स साइज में वदाएन छोटा डबल रिंग दा आए प्यूरिन में ब बेस शामिलन एको एडिनिन आए बियो गुआनिन पायरिमिडिन साइज में नंदाएन छोटा हेका रिंग या सिंगल रिंग ते मिश्रण पायरिमिडिन में साइटोसिन थायामीन आए यूरासिल शामिल जेकडे गाल डीएनए जी कयों था तपो पायरिमिडिन मां बब्बे सहे को साइटोसिन आए थायम जेकडे गाल आरएनए जी कंदा से साइटोसिन त हुंदो पर थायमिन जी जगह ते यूरासिन हाणे असा मुफ्ता कयो इन नाइट्रोजिनियस बेसिस जी स्ट्रक्चर जी तरफ हाणे भले स्टूडेंट्स ता फर्स्ट ईयर जे टेक्स्ट बुक जो पेज नंबर 33 शामिल करे छियो या खोले सामू पियो हाणे सब का पहिरियां असां चवंदा स्ट्रक्चर एडिनिन जी तरफ आसान तरीको एडिनिन जी स्ट्रक्चर के याद करण जो या प्यूरिन जी स्ट्रक्चर के याद करण जो गौर कजो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन या छान कार्बन ते मुश्तमिल स्ट्रक्चर आ या साइक्लोहेक्सेन चौमुए कार्बन नाइट्रोजन वरी कार्बन नाइट्रोजन हेडे वरी कार्बन का हणी का अगी रिंग आ उन तरफ अचो त कार्बन खा पो नाइट्रोजन वरी कार्बन वरी नाइट्रोजन हणे जेकरे असा नंबरिंग वठो त एको रूल आ उन मुताबिक नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 आई 6 7 8 आई 9 अने हिकड़ी शय जे नशीन करे छड्यो त जडे बे पेंटो शुगर सा प्यूरिन बेस जुड़ंदो वो चाहे वो एडिनिन हो जे चाहे वो गुआनिन जुड़ंदो 9th नाइट्रोजन से केड़ी नाइट्रोजन सा 9th नाइट्रोजन से 9 नंबर वाली नाइट्रोजन से अने ही असांजी जेका स्ट्रक्चर आ वो एडिनिन जी आइसोमर समझी छड्यो ताके हन पूरी स्ट्रक्चर के ड्राकण का को वैलेंसी सेटिस्फाई करनी पोंदी कार्बन जी 4 नाइट्रोजन जी 3 जाते खुटे तो उन सा ता नाइट्रोजन सा हाइड्रोजन या कार्बन सा हाइड्रोजन जुड़े छ सागे तरीके सा जिकने ता गुआनिन जी स्ट्रक्चर जी तरफ इंदो तब गाल सागिया कार्बन नाइट्रोजन वरी कार्बन का उई नाइट्रोजन कार्बन वरी नाइट्रोजन फर्क की हुआ त हते NH2 हुयो छए कार्बन सा हते ऑक्सीजन ये स्ट्रक्चर ता केड़े तरीके सा ड्रा करनिया नंबरिंग जो रूल सागोया हन में भी 9th जका नाइट्रोजन आ उहा जुड़ंदी अची
pentose sugar जे carbon number पेरे सा हाँ ये सा आचों pyrimidine जी structure जी तरफ अने pyrimidine जी structure जिका हिनमें ऐसा six ring structure पड़ी उहाई या गौर कयो carbon nitrogen carbon nitrogen again carbon carbon फर्क यो आ त हाणे जेका असां नंबरिंग शुरू कंदासीं उहा हितां इहो रूल आहे पहिरियों कार्बन या फस्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाणे जेका पायरिमिडीन शुगर पायरिमिडीन बेस मां कोई भी बेस साइटोसीना थायामीना यूरासिला जडें भी पेंटो शुगर जे कार्बन पेरे सा जुड़ंदो त वो उन में जेका नाइट्रोजन जुड़ंदी उहा पेरे पेरे नंबर वारी होॾे नाए नंबर वारी हेॾे पेरे नंबर वारी हाणे हीअ स्ट्रक्चर आहे साइटोसीन जी हाणे थायामीन जी ऐं यूरासिल जी स्ट्रक्चर बि साॻी आहे साॻे तरीक़े सां ॾिसो कार्बन नाइट्रोजन अगेन कार्बन कार्बन हाँ फर्क चाहे या सागी स्ट्रक्चर तांके यूरासिल जी भी नजर अचे थी वो फर्क ना है सिर्फ कार्बन नंबर टे हेडे मिथाइल अटे जा हेडे कार्बन नंबर टे सी एच आ बाकी कोई फर्क नहीं हाँ ये असो स्ट्रक्चर सन पायरिमिडीन जो ऐं मथियूं स्ट्रक्चर सन छा जो कंपोनेंट नंबर टे जी तरफ अचूं त असांजो टियों कंपोनेंट आहे फॉस्फेट रेडिकल जंहिंखे असां फॉस्फोरिक एसिड बि चवंदा आहियूं हाणे फॉस्फेट जी वैलेंसी 5 ही जेकॾहिं असां स्ट्रक्चरली ॾिसूं त फॉस्फेट जा ॿ बांड ऑक्सीजन सां हिकु हिकु बांड ओएच सां यानी वैलेंसी 5 हाणे एक्वस कंडीशन में इहो फॉस्फेट हाइड्रोजन लूज़ कंदो टे हाइड्रोजन लूज़ कंदो एसिड जो कैरेक्टर हूंदो आहे त उहो हाइड्रोजन छा करे लूज़ कंदो हाणे इहे टे कंपोनेंट थिया कंपोनेंट पहिरियों पढ़ियोसीं पेंटोस शुगर कंपोनेंट बियो पढ़ियोसीं नाइट्रोजीनियस बेस ऐं कंपोनेंट टियों पढ़ियोसीं फॉस्फेट रेडिकल या फॉस्फोरिक एसिड हाणे असां अचूं था त इहे टई कंपोनेंट्स पाण में जोड़ियूं त हिकु न्यूक्लियोटाइड ठहंदो छो त पढ़ियोसीं न इहे टई कंपोनेंट ई न्यूक्लियोटाइड जा जॾहिं टई पाण में जुड़ंदा त हिकु सिंगल न्यूक्लियोटाइड ठहंदो हाणे जेकॾहिं असां अचूं ये असांजी शुगर डीऑक्सीराइबोस हे असांजो नाइट्रोजीनियस बेस कहिड़ो पायरिमिडीन हाणे यादि कयो मां तव्हांखे ॿुधायो त पायरिमिडीन बेस जी पहिरीं नाइट्रोजन हिन हाइड्रोजन सां जुड़ंदी पाणीअ जो मालिक्यूल निकिरंदो ऐं हिते जेको बॉन्ड ठहंदो हुनखे असां एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बि चवंदासीं पोइ हीअ जेका नाइट्रोजन आहे उहा डायरेक्ट जुड़ी वेंदी छा सां शुगर सां पर इहा जुड़ंदी किथे कार्बन नंबर पहिरीं ते कार्बन नंबर 5 ते हे फॉस्फेट रेडिकल या फॉस्फोरिक एसिड ठहंदो साॻे तरीक़े सां हे फार्मूलो खणी आयासीं ओ एच हेॾां ऐं एच हेॾां रिमूव थी वई वाटर निकिरी वेंदो ऐं हे जेको बांड आहे उहो सिंपली कोवेलेंट बांड ठही वेंदो ऐं अहिड़े तरीक़े सां असां वटि हिकु कंप्लीट स्ट्रक्चर अची वेंदी छा जी हिकु न्यूक्लियोटाइड हाणे ज़हन में इहा रखणो आहे त पेंटोस शुगर जेका डीऑक्सीराइबो शुगर आहे उन सां ई ॿई कंपोनेंट लॻणा आहिनि बेस बि उन सां लॻणो आहे ऐं फॉस्फेट रेडिकल बि उन सां लॻणो आहे फ़र्क़ु इहो आहे त बेस लॻंदो डीऑक्सीराइबो शुगर जे कार्बन पहिरें सां ऐं फॉस्फेट रेडिकल लॻंदो कार्बन नंबर 5 सां हिकिड़ी शइ अहम आहे जेका पोइते बि ॿुधाई आहे
the nitrogenous base purina the nine carbon wali nitrogen judan di an glycosidic bond thando purine khan sawad ikne pyrimidine base the pehri nitrogen judan di an glycosidic bonds ae baki phosphate radical hamesha carbon number 5 sa judan do ae utte covalent bond ya ta gal thi ek single न्यूक्लियोटाइड जदे मिलियंस न्यूक्लियोटाइड पान में जुड़न तदे एको सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए जो ठान हाने हते समझो यो आ त एको न्यूक्लियोटाइड बे न्यूक्लियोटाइड सान जुड़ंदो किया केड़े बांड तहत जुड़ंदो तदे या वडी मिलियंस वारी चेन ठई करे एको डीएनए मॉलिक्यूल ठा न्यूक्लियोटाइड एक बे सा जुड़ा फॉस्फोरिक एसिड जे थ्रू पर जुड़ा किया त पेरे न्यूक्लियोटाइड जी डी ऑक्सीराइबो शुगर जो कार्बन नंबर ट्रियों जुड़ो बे न्यूक्लियोटाइड जे डी ऑक्सीराइबो शुगर जे कार्बन नंबर पंजे सा या ये चाहूं त पहरे न्यूक्लियोटाइड जे शुगर जी सी थ्री पोजीशन जुड़ंदी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जे शुगर जी सी फाइव पोजीशन से हाने दिसणो यो आ त ये केहड़े तरीके से जुड़ंदियो ही असा वट एक न्यूक्लियोटाइड जी स्ट्रक्चर आ ही असा वट बे न्यूक्लियोटाइड जी स्ट्रक्चर हाने दिसो ट्रे कार्बन ते हेडा ओए छ बे न्यूक्लियोटाइड मा फास्फेट वारी होए छ हे जदे ता पानी जो मॉलिक्यूल रिमूव थिंदो त ही ऑक्सीजन हाने डायरेक्ट अची न कार्बन सा जुड़त हिन हेठी डायग्राम में दिसंदो ही फास्फेट आ ही ऑक्सीजन आ हेत्रो कार्बन हेदा बे ऑक्सीजन आ हेदा पंजो कार्बन इकरे मेंशन करे छड्यो हिन के कार्बन नंबर ट्रियो आ हिन के कार्बन नंबर पंजो वाजियो थियो त हे ट्रियो कार्बन हे पंजो कार्बन हाणे हे जेको बॉन्ड ठयो आ इन बॉन्ड के असा नालो ता ॾियो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हाणे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड छो था चओ याद कयो स्टूडेंट्स सी ओ ओ के असा ईस्टर वठंदा आहियूं जी हां पो पी ओ ओ के चई सघूं था ईस्टर ऑफ फॉस्फेट हाने फॉस्फोडाइस्टर छो हे जेको बॉन्ड आ वो बिन न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़े थो उन करे डाई फॉस्फेट जे करे फॉस्फो बिन न्यूक्लियोटाइड जे जुड़न जे करे डाई ऐं ईस्टर जे करे ईस्टर असां चऊं था फॉस्फोडाइस्टर पो अहिड़े तरीक़े सां न्यूक्लियोटाइड्स पाण में जुड़ी करे वड्यूं पोली न्यूक्लियोटाइड्स चेन्स ठाइंदियूं ऐं पोइ उहे चेन्स पाण में जुड़ी करे हिकु सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल ठाहींदियूं हाणे हीअ असांजी ब्रीफ रेफरेंस हुयो डीएनए स्ट्रक्चर जे हवाले खां हितां असां मूव कंदासीं त डीएनए जी जेका स्ट्रक्चर आहे उन ते केड़न केड़न साइंटिस्ट कम कयो थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री जी तरफ इंदासी ऐं पोइ असां वाटसन ऐं क्रिक वारो जेको डीएनए स्ट्रक्चर मॉडल आ उन खे डिस्कस कंदासीं।